हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सैम्पल पेपर करेंगे। सैम्पल पेपर करने का एक बेस्ट टेक्निक क्या होता है? ऑलवेज स्टार्ट पेपर फ्रॉम द बैक साइड। हमेशा पेपर बैक साइड से स्टार्ट करना चाहिए। और जब आप बैक साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 6 मार्कर क्वेश्चंस करने चाहिए। तो अगर आपको हमारी इकोनॉमिक्स क्लासेस की जो शीट मिली है, सबसे पहला काम क्या है, इसके अंदर मार्जिन बनाना है। मार्जिन क्या होता है, इस तरीके से आपने क्या करा, फोल्ड किया और एक मार्जिन इमेजिनरी लाइन बना ली। इज इट क्लियर? पेपर के लिए पढ़ने का समय बहुत मिलता है आपको। यस या नो? आवाज नहीं आ रही, एक्टिव रखना है सर। पढ़ने के लिए समय आपको बहुत मिलता है। अगर पेपर आता हो तो मार्जिन 1 बनाओ, और अगर पेपर नहीं आता हो तो मार्जिन 2 बनाओ। फायदा बताता हूँ, जब नहीं आता तो आंसर की लेंथ छोटी होगी, 2 मार्जिन से पेज ज़्यादा भरेंगे। गॉट इट? तो अगर आपको पेपर पूरा आता है, अच्छे से आता है, तो यू नीड ओनली कितना मार्जिन, 1। और जब आप 2 मार्जिन बना दो तो उसी टाइम पता होता है कि हमारी ऐसी तैसी हो चुकी है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो फाइनली आज का पेपर में आपको कितने मार्जिन बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आंसर कह रहे 3। नीचे से भी फोल्ड कर दो। OMG, बहुत बढ़िया। सो सर, पेपर जो है 17 क्वेश्चंस हैं आपके। सबसे पहला प्रश्न हमने क्वेश्चन डाला हुआ है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा प्रोडक्शन, जब हम इनपुट को, बोलो किसको, किसमें कन्वर्ट करते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का क्या करके, यूज करके, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। बोलो, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कई बुक्स में लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अंडर गिवन स्टेज ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर एवरीवन? सो देयर आर 2 ऑप्शंस। तो बेस्ट रहता है आप ये बोलो, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड अंडर गिवन स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 1 नंबर मिल गया। इसके आगे कुछ लिखा हुआ, 1 मिनट, इसके आगे लिखा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। मतलब 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब भाई हमें क्या करना है, ये पूरा आंसर आज यहीं पर ही बैठकर याद करना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब इसको याद करने का टेक्निक क्या है, देखो बेटा, प्रोडक्शन जो होती है वो 2 समय में होती है, शॉर्ट रन में और किस में, राइट? प्रोडक्शन कितने समय में होती है, शॉर्ट रन और हमारे कोर्स में शॉर्ट रन ही है। कौन सी है, शॉर्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो कह रहा है, ये लॉ कह रहा है, अगर आप प्रोपोर्शनेटली अगर आप अपने वेरिएबल फैक्टर को क्या करो, चेंज। अब बच्चा कह रहा है व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर, जो चेंज हो जाए। बोलो क्या हो जाए, चेंजेबल फैक्टर को कौन सा फैक्टर बोलते हैं, वेरिएबल। और जो चेंज ना हो वो कौन सा फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर। तो लॉ क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल पे इन्होंने कहा शेड्यूल भी बनाओ। हमने एक लैंड ली सर, शॉर्ट रन में लैंड हमारा फिक्स फैक्टर होता है जो कभी भी चेंज नहीं। हमने एक लेबर ली, क्या ली, जल्दी बोलो, लेबर, जो कि हमारा कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल। सो एक लैंड ले ली, एक लेबर ले ली, वेरिएबल फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब ये लॉ कह रहा है अगर आप प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल फैक्टर को क्या करोगे, चेंज। बोलो क्या करोगे, क्या करोगे, चेंज। बाकी अदर फैक्टर को क्या रखोगे, कॉन्स्टेंट। सारे अदर फैक्टर्स को क्या रखोगे, तो हमें चेक करना है क्या होगा, बदले में क्या मिले। सो हमने एक लैंड पे एक लेबर लगाई, टोटल आउटपुट आया अजम्पशन के बेसिस पे 10। बोलो कितना आया, एक खाली पीस ऑफ लैंड, उस पे लगाई लेबर, कितनी गोभी उग गई, 10। चारों तरफ हरियाली हरियाली,
वो गलत मत समझो। फिर इसी लैंड पे दो लेबर लगाई। बोलो क्या लगाई? दो लेबर। जैसे ही दूसरी लेबर लगाई, दूसरी लेबर के आने से दो लेबर ने मिलकर आउटपुट की स्पीड फास्टर कर दी। क्या कर दी? फास्टर। कितनी कर दी? 30। बोलो कितनी कर दी? 30। बोलो बोलो स्पीड इज इंक्रीज एट कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। स्पीड इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। OMG स्पीड बढ़ रही है इंक्रीज एट कौन से रेट से? इंक्रीज मतलब बोलो कैसा? मम्मी पूछे क्या पढ़ के आया? ये भी खुश हो रहे हैं। सो एक लैंड पे जब लेबर लगाई स्टार्टिंग में, आउटपुट क्या हुआ? इंक्रीज एट तबियत खराब ध्यान इंक्रीज एट। फिर इसी लैंड पे एक और लेबर लगाई, आउटपुट हो गया 45। एक लैंड पे एक और लेबर लगाई 52। एक लैंड पे एक और लेबर लगाई 52। हमने उससे पूछा भाई तुम्हारी स्पीड क्यों स्लो हो रही है, ये रुक क्यों गए? कह रहे तेरे सर पे उगाए। लैंड तो खत्म, लैंड तो, ये लॉ यही सिखाना चाहता है कि शॉर्ट रन में जब आपके पास लैंड कांस्टेंट होती है, आप बार बार लेबर लगाते हो, तो एक टाइम तक तो स्पीड फास्टर आएगी, सेकेंड फेज में स्पीड डिमिनिश आएगी, स्लो आएगी, स्लो क्या आएगी? स्लो। ठीक है ना, कभी स्कूल में पेपर आए आंसर LVP हो, एक दूसरे को कैसे बताना है? दूसरे वाले को ब्रु, ब्रु। ये फास्टर, ये कौन सी स्पीड है? फास्टर। ये कौन सी है? डिमिनिश। और थर्ड फेज में अगर कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज, जहर क्या है? किसी भी चीज का अधिकतम हो जाना। व्हाट इज जहर? किसी भी चीज का। इस लैंड पे अधिकतम क्या लग गई? लेबर। लो जी 6। तो आउटपुट क्या हो गया? 45। बन गया शेड्यूल, यस या नो? और ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रट्टा मार के जाना है, ये रट गया होगा खुद ही। आपको सिर्फ ये याद रखना है, फर्स्ट फेज में स्पीड इज फास्टर, सेकंड फेज में स्पीड इज डिमिनिश, थोड़ा क्यूट लिखा डिमिनिश, और फाइनली स्टार्ट इट इज जस्ट लाइक योर PTM फॉलिंग। गॉट इट सबको? बोलो ना शेडियो। जय माता दी। यहां तक कोई डाउट? सो इसका हम क्या निकालेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल समझते हो? एडिशनल। थोड़ा जगह देना, थोड़े इधर हो, मार्जिनल जगह दो, ये होती है एडिशनल जगह, फिर बैठ के उधर। हाँ घिस जाओ। मार्जिनल प्रोडक्ट, बोलो कौन सा प्रोडक्ट? सर मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल। जीरो से वन पर आपने एडिशनल लेबर लगाई, कितने आया एडिशनल प्रोडक्ट? वन से टू पे एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हुई? ओहो, टू से थ्री पे? ओए समझ आई? बोलो आई 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 आई, कुछ भी करा लो उल्टी हल्के दे। सो बताओ, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थोड़ा इंग्लैंड वाला एक्सेंट, बोलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कहाँ लेके जाना है तुम बताओ? रिठाला जाने वाले इंग्लैंड की बातें कर रहे हैं। चलो बस 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 बस, नहीं 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 नहीं, हम UK चलेंगे चलेंगे, प्रॉमिस। उत्तराखंड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर एंड मोर लेबर आर एम्प्लॉयड, एक बच्चे ने आंसर में लिख दिया इफ मोर एंड मोर लेबर इज यूज्ड। लेबर यूज कर रहे तो भाव, व्हाट नॉनसेंस। मतलब मैं क्या कहूं, गौरव यूज कर दिया मैंने, गलत इस्तेमाल नहीं। बाहर वो भैया बैठे थे, कुणाल भैया, मैंने कहा भैया कुणाल मैं तुझे आज यूज करूंगा, इज इट राइट वर्ड? ये तुम लिख के आते हो, चाची कहती है ये क्या है, कुछ टाइम बाद मैंने इनके यहां वर्किंग कर ली तो यूज कर लेंगे। हाँ, व्हाट इज द राइट वर्ड? एम्प्लॉय। बोलो यस। हमारे अपने जितने भी वर्कर्स या स्टाफ होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, राइट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है चाची तुमसे नफरत करती? ना बेटा, वो तुमसे प्यार करती है। नफरत का भी प्यार होता है।
तो वो जब गलत इस्तेमाल करोगे वर्ड तो मार्क्स 6 में से 2 मिलते, 2.5 मिलते. सो बोलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ. थोड़ा ढंग से सीखो, बोलो इफ. मोर एंड मोर लेबर आर क्या एम्प्लॉय. ये हमेशा याद आएगा. पेपर में बैठ के भी हंसे होगे. टीचर भी आई, क्या हो बेटा था धोरे पढ़ रहे. खैर नहीं, जे आर पे पढ़ लो, समझ आ जाएगा. तो मोर एंड मोर लेबर आर वाइल कीपिंग लैंड, वाइल कीपिंग क्या कॉन्स्टेंट. बाकी अदर फैक्टर्स को क्या रखो कॉन्स्टेंट. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज एट क्या होगा, वेरी गुड. देन इंक्रीज एट एंड देन फाइनली स्टार्ट्स. दिस इज योर एंटायर लॉ. याद हुआ? yes, समझ के बाद याद हुआ ना. बोलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ. मजा नहीं आ रहा दोबारा से. इफ मोर एंड मोर. अब जब तक आप लेबर बोल रहे हो तब तक ये एग्जांपल है. बड़ा बाप बोलोगे इफ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड. दोबारा बोलो क्या, इफ वाइल कीपिंग फिक्स फैक्टर कॉन्स्टेंट इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट कौन सा राइट कॉमा देन इंक्रीज एट एंड फाइनली स्टार्ट्स. याद हुआ ये लॉ? फिर इसका एग्जांपल कितना मुश्किल है देखो. सपोज बोलो सपोज. इतने खराब लोग हैं ना. बोलो सपोज. बोलो सपोज अ फार्मर, नहीं अ प्रोड्यूसर हैज 1 acre ऑफ लैंड. एक समझते हो? जब इरादे हो नेक तो आंसर आए, तभी तो सबका मालिक. हाँ देखो प्रभु भी मिलने जरूरी है. ये तुम सबको क्यों दिखा रहे हो? कितने बच्चे बैठे हमारे यहाँ, फिर जड़ जाएंगे सब. हाय राजपाल राजपाल. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. बोलो सपोज अ फार्मर हैज क्या 1 acre ऑफ ऑन विच ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस क्या गोभी नहीं है, वीट. वीट क्या? ठीक है, बाय यूजिंग मोर लेबर. यूजिंग आएगा एम्प्लॉय आएगा. बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर. तुम्हारी वोकैबुलरी खराब है. तुम्हें समझ आया कि भाई लेबर लगानी है, तुमने कहा यूज कर दो. बाय एम्प्लॉइंग. बोलो बाय मोर लेबर इनिशियली आउटपुट इंक्रीज एट कौन सा रेट देन इंक्रीज एट एंड फाइनली स्टार्ट्स. बोलो समझ आई? बोलो आई 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 पक्का आ गई. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? आपका ये एग्जाम्पल तैयार हो गया. ठीक है, उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना होता है, एक डायग्राम बनाना होता है, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. आपको फेज 1 फेज 2 और फेज 3 को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, एंड आपका मार्क्स तैयार 6 में से 6. घर की बात है बेटा. आ रही है. सो नहीं, ये वाली बार चेयर है. नहीं बेटा भेज दी हमने. यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? सो अब इसको लिख लें एक बार. लिखिए प्रोडक्शन फंक्शन. इसको अब 6 marker में पूरा आंसर तैयार करेंगे. प्रोडक्शन फंक्शन refers to an expression of technological relation. Production function refers to an expression of technological relation between physical input, between physical input and output of a good, between physical input
एंड आउटपुट ऑफ अ गुड, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ, क्या बोला मैंने, गुड. यस बेटा, आप अपने लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट. फिजिकल वर्ड हम इसलिए यहाँ पर यूज करें बिकॉज इट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट. बोलो कौन सा प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें इसलिए हमने यहाँ पर फिजिकल वर्ड यूज किया. तो इसकी भी सिग्निफिकेंस ये कि यहाँ टेंजिबल है इसलिए फिजिकल वर्ड यूज किया. फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ, क्या बोला मैंने, गुड. कोई डाउट बच्चा यहाँ तक, एक लाइन छोड़कर लिखिए. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक हेडिंग दीजिए. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक हेडिंग दीजिए. लिखो दिस लॉ स्टेट्स दैट, बहुत साफ साफ लिखना. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रेजेंटेशन. मैटर करता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. आपने पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हेडिंग दी. अभी तक मैंने क्या लिखवाया इस लॉ में, हाँ जी, दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, कॉमा कॉमा टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली, क्या बोला मैंने, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, कॉमा इंक्रीज एट अ कौन सा रेट, इंक्रीजिंग रेट, लिख लिया सबने, कॉमा देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग लिख लो, डिमिनिशिंग लिख लो, वन ऑफ द सेम थिंग. देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन की स्पेलिंग टी एच ई एन होगी. देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, लिख लिया सबने. एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, राइट. ये आपको LVP को ऐसे एक्सप्रेस करना है. फिर एक लाइन छोड़कर लिखो assumptions to this law. साफ साफ लिखना है एक लाइन के गैप के बाद. स्कूल में चाची को पसंद आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाला. एक लाइन छोड़कर लिखिए assumptions to this law. First assumption, this law is applicable in short run. This law is applicable in short run. ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल होता है बेटा, शॉर्ट रन के अंदर. This law is applicable in the short run, right? हाँ जी, right? Yes, आवाज नहीं आ रही? Yes, good. Second लिखिए, second लिखिए. The state of technology, the state of technology is assumed to be constant. The state of technology is assumed to be, क्या बोला मैंने, constant, right? आवाज नहीं आ रही? The state of technology is assumed to be क्या, constant. Very nice. यहां तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? Very good. अब लिखो for example. यहां जहां assumption खत्म हो गई एक लाइन का गैप डालो और फिर लिखो for example. बेटा अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो आउटपुट की स्पीड बढ़ सकती है, फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. तो वहां पर कहीं क्रिटिसिज्म ना आ जाए इसलिए कहते हैं हमने मान लिया, अजम्पशन कर ली, ठीक है. हाँ जी, डन. अब लिखो फॉर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल के बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू करो. सपोज अ प्रोड्यूसर
ये सपोज अ फार्मर हैज वन एकर ऑफ लैंड, सपोज अ फार्मर हैज वन एकर ऑफ लैंड. अब बहुत सरल लग रही होगी, इजी लग रही होगी लैंग्वेज आपको. सपोज अ फार्मर हैज क्या? वेरी नाइस. सपोज अ फार्मर हैज क्या? बिल्कुल ठीक. ऑन विच ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज, ऑन विच ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ऑन विच On which he wants to increase the production of, क्या बोला मैंने, wheat, with the help of labor. On which he wants to increase production of, क्या बोला मैंने, wheat, with the help of, क्या बोला मैंने, labor. लिख लिया सबने? Full stop. When he employed, employed word को underline कर लेना. When he employed more and more unit of labor, when he employed more and more unit of, क्या बोला मैंने, labor, when he employed more and more unit of, क्या बोला मैंने, labor, comma, initially output initially output increased at increasing rate, initially output increased at increasing rate, initially output increased at कौन सा rate, increasing rate, comma, then at decreasing rate, then at decreasing rate, and finally at a negative rate, and finally at a negative rate. फाइनली एट अ कौन सा रेट, जल्दी बोलो. वेरी गुड. कौन सा रेट? नेगेटिव रेट. लिख लिया सबने? फुल स्टॉप. अभी बताओ, अभी तक इसमें कौन सा ऐसी चीज है जो लर्न नहीं है? लॉ आपको याद है, अजम्पशन दो याद है, नीचे जो एग्जाम्पल बनाया वो ऊपर वाली लैंग्वेज में, जहां पर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर था, नीचे लैंड और क्या लगा दिया, लेबर. और हर जगह पर, हर जगह पर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, फाइनली स्टार्ट्स. ऊपर भी तीन बार यही लिखा है, नीचे भी यही लिखा है, बस इतना सा फर्क है. यस या नो? आवाज नहीं आ रही? Yes, अभी तक का आंसर याद हुआ है कि नहीं हुआ? 100% याद है. अब आप बड़ा साफ साफ ये टेबल बनाओ, और अगर आपके पेज में आखिरी में तीन चार लाइनें बची हुई हैं बस, तो गो टू द नेक्स्ट पेज. अगर तीन चार लाइनें बची है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, और हो सके तो आंसर के राइट साइड में बनाना. मतलब एक, अगर ये शीट है पूरी, तो आई जस्ट वॉन्ट कि टेबल यहां हो आपका. गॉट इट? जल्दी बनाओ बेटा. बहुत साफ साफ, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है. आप एक बात जरूर याद रखना, आप मेरे साथ बैठकर एक 6 नंबर का आंसर याद कर रहे हो, एक आंसर को लर्न करके लिखने में 40 से 50 मिनट लगते हैं, 6 नंबर के बड़े आंसर को तैयार करने में. ऐसे पूरी क्लास 11th में 6 नंबर के कितने बड़े आंसर्स हैं, मैं आज आपको लिखवा के भेजूँगा कि आपको ये 6 नंबर वाले बड़े आंसर्स मेरे साथ बैठ के याद करने हैं. मैं ही याद करा दूँगा, या तो वो 6 में आते हैं या 4 में आते हैं, कस्टमाइज करना पड़ता है आंसर को. तो मैं आज आपको, या कोशिश करेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट बना देंगे, 12वीं के सबसे बड़े बड़े 6 नंबर के आंसर कौन कौन से हैं.
हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे मोनेटाइजेशन। गरीब लोग दो वक्त की रोटी खा लें, घर का चूल्हा भी नहीं जलता। हाँ सही बात। ऑडी तो बेच दी मैंने, नहीं नहीं वो खरीदी है ऑल्टो लोअर मॉडल, हीटर भी नहीं है उसमें, पावर विंडो भी नहीं, ऐसे खोलता हूँ बस यही करता रहता हूँ। सही में सही में सीएनजी वाली है, कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है। ना 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 इसमें भी मेरी बिजनेस चेक कर रहा है। नहीं बेटा अप्रैल मई जून ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना पैसा है। जनवरी फरवरी मार्च ऐसा लगता है कितनी गरीबी आ गई देश में। बहुत बुरा हाल है, कई बार मन करता है जॉब ही कर लूं, कम से कम गोभी तो उगेगी। हाँ जी हो गया यहां तक बोलो यार, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। हाँ ये बात वैसे मॉडल ठीक है वैसे, ये कई लोग मंथली फीस घर से लेंगे फिर कहेंगे गुड़ 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 गुड़। हाँ जी हो गया यहां तक। वो ये क्या आ गया। हाँ जी यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को, शेड्यूल बन गया आपका, लेट्स मेक अ डायग्राम। अब एक मिनट, आपने एक शीट है आपकी ऐसे जिसके राइट कॉर्नर में आपने क्या बना दिया, टेबल। आप डायग्राम बनाए ऐसे और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस जगह पे फेज वन फेज टू और फेज थ्री में छोटा छोटा दे सकते हैं, आपके दो पेज में आंसर बिल्कुल तैयार होगा। अगर आपको लगता है आपका पेज बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, मतलब ऑलरेडी परेशानी में है, ठीक है आगे पीछे सब हो चुका है, तो यू कैन मेक डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज। क्योंकि डायग्राम जो बनेगा वो जनरली इस तरीके से काफी टीपी और एमपी दोनों अलग अलग बनते हैं। अगर ये शीट है तो यू नीड अ स्पेस लाइक दिस वे कि यहां से आपका टीपी बनेगा और यहां से आपका एमपी बन के आएगा। सो मेक श्योर दैट कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए। अगली बार ध्यान रखना क्योंकि आज आप पहली बार लिख रहे हो इसलिए आपको प्रेजेंटेशन का आयोजन, तो आप फर्स्ट पेज पे ही एक तरीके से इतना लिखते, क्योंकि होना ये चाहिए था आइडियली कि आपके दो पेज का आंसर है, ये आपका फर्स्ट पेज है ये आपका सेकंड पेज है मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी है, फिर यहाँ आपकी दो अजम्पशन आ गई और यहाँ एग्जाम्पल आ जाता है। टेक्निकली ये होना चाहिए था फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे आपने यहाँ पर शेड्यूल बना दिया, यहाँ आपने डायग्राम बना दिया, यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दे दी और थोड़ी सी लाइन्स यहाँ पर यूज़ करके आपका पूरा आंसर छः में से छः का तैयार हो जाता। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो आप अगली बार अपने स्कूल में करके आइएगा। वाई वी यूज हॉरिजॉन्टल शीट्स, बिकॉज स्कूल में भी हॉरिजॉन्टल शीट्स होती है, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी हॉरिजॉन्टल शीट्स होती है। हम इसलिए आपको रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस नहीं कराते, हमने इसलिए आपको शीट दी। सर प्रेजेंटेशन भी एक कला है और आप एक बार पहले घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता होगा मेरा डायग्राम भी यहाँ बनेगा, नहीं तो मैंने कई बच्चों की कॉपीज चेक करी है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखा है आपने कभी, ये डायग्राम है, यहाँ लिखना शुरू होते होते पहले पहले कोशिश करेंगे मेंटेन करने की, फिर बीच में घुस जाएगा ये, फिर एक लाइन बनाएंगे ऐसे भी लोग बनाते हैं जिनको प्रेजेंटेशन नहीं आती, जो प्रैक्टिस पेपर में पहली बार करता है वो ऐसे करता है। सो ये आपको प्रेजेंटेशन का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको याद आ रही होगी, आप ऐसा कर चुके हो अतीत में, कितने लोगों को याद आया। अरे भाई देखो गांव वाले, दिखाओ दूसरे कैमरे से, दिखाओ दिखाओ हार, रेज योर हैंड। ये वही है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर वाले, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के लिए नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, हम दिल से आपको बहुत ठाकुर जी को कहेंगे आपके 100 में से 100 आए। हाँ जी समझ आ गया आपको प्रेजेंटेशन। देखो मैंने आपको बोला मैं आपको लर्न भी करा दूंगा, आपके मेरे सारे सेशंस जो है सारे लर्निंग सेशंस रहेंगे प्लस प्रेजेंटेशन सेशन, क्योंकि 12th क्लास में बहुत कुछ मैटर करता है प्रेजेंटेशन पे। ऐसे आंसर्स लिख के आओगे टीचर को रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 6 या तो 0 या 6।
क्योंकि तुमने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन और तुम सही लिखा हो उससे मतलब गड़बड़ लिखा हो तो अलग बात है, बट मेक श्योर दैट इस तरीके की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेट्स मेक अ डायग्राम। हाँ हाँ जी, आपको मैं बता दूं, आप सभी लोगों का मंडे शाम को 10 बजे रात को, मंडे शाम को रात को कितने बजे 10 बजे ऑनलाइन सेशन है मेरे साथ, रात को 10 से 11 एक घंटे का ऑनलाइन सेशन है, मंडे को भी ट्यूसडे को भी। ये आप सोच रहे हो कि पेपर एक क्लास में खत्म हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, खत्म हो सकता है। हाँ जी बेटा, इसका आंसर यही है, हाँ कर ले रहा, ऐसे करके तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर अगर मुझे अपने हिसाब से करवाना है ये शीटों में, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours, राइट, क्योंकि आपको मेरे साथ लर्न करना है, ठीक है। 10 बजे 9:45 से आप लॉग इन कर लेना, कभी सर्वर हैवी हो जाता है, सब लोग ACDC के सब लोग ज्वाइन करेंगे तो गड़बड़ ना हो, सो मेक श्योर दैट सब लोग ज्वाइन कर लेना और कैमरा ऑन करके बैठना, हमारे इंटरनेट बहुत अच्छा है, ठीक है। सब लोग तसल्ली से बैठना और अच्छे से बैठना, याद रखना मंडे रात को 10 बजे, ट्यूजडे रात को 10 बजे। और आपको हम ऑनलाइन के अंदर भी कैसे हम पोल्स कराते हैं, क्या कराते हैं पोल्स, हाँ कल ही, कल रात को 10 बजे और परसों रात को 10 बजे, दो सेशंस लेंगे, अगर मंडे को ही खत्म हो गया तो ट्यूजडे को नहीं लेंगे, ठीक है। राइटर जी, हाँ जी राइटर जी, आवाज नहीं, राइटर जी, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि 29 तारीख को टेस्ट अच्छा हो जाए, आपका नंबर अच्छे आ जाए और शाम को आपने शेड्यू की तरह अच्छी तरह नाच ले। आओ डायग्राम बनाए, इधर देखो बेटा, बेटा अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हो तो ये नंगे पोंगे डायग्राम कहा जाता है, इसलिए यहां पर लिखना होता है TP, बोलो क्या, यहां MP, यहां पर x-axis, x-axis, y-axis, y-axis, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहां पर यूनिट ऑफ क्या आती है वेरिएबल फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 5, सब ठीक हो जाएगा बेटा, इधर कितने हैं ये 6 तक 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हाँ जी दस बीस तीस चालीस और क्या आ गया 50, यहाँ पर 10, 20, हाँ जी 1 पे TP कितना है 10, 2 पे कितना है 30, 3 पे कितना है 45, 4 पे कितना है और फिर ओए होए होए होए, ओए एक बात बताऊं आपको, बता दूं, देखो देखो पता है क्या हुआ, ये बेइज्जती, दोबारा देखो, इस जगह पे मैं एक जगह भाग रहा था, क्या कर रहा था, और एक बार मैं क्या हो गया स्लो, बोलो क्या हो गया स्लो, जहां पर एक इंसान या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी फास्टर स्पीड एकदम से स्लो होती है, तो जहां रेट ऑफ ट्रांजिशन आता है चेंज क्या आता है, रेट ऑफ क्या आ रहा है उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बोलो क्या बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहां स्पीड क्या थी फास्ट, बोलो क्या थी फास्ट, यहां क्या हुई स्लो, तो बीच में कहीं तो आया होगा ट्रांजिशन, हाँ जी आया होगा, यस या नो, आया होगा यस या नो, उस जगह को क्या बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इस जगह को क्या बोलते हैं सैचुरेशन, बोलो क्या बोलते हैं सैचुरेशन, बोलो क्या बोलते हैं सैचुरेशन, एक बार MP बना ले पहले, फर्स्ट पे कितना है 10, सेकंड पे कितना है 20, देन कितना है 15, देन 7, देन 0, जय करा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की, हे माई मेरी सचिया जो
फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, बन गया आपके सामने डायग्राम, बन गया डायग्राम, डायग्राम बन गया। तो ये सैम्पल पेपर जो है ये हम तीन पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बेसिकली तीन सेशंस लग जाएंगे हमें उम्मीद है पूरे एक सैम्पल पेपर को कंप्लीट करने में। डन। नहीं एक में नहीं बना सकते, जब रिलेशंस दिखाएंगे तब एक में बनाएंगे, जैसे टीपी और एमपी का रिलेशन तब एक में बनाएंगे। बेटा हमारा बैच वन टू एंड थ्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस एक बैच का अवेलेबिलिटी बची हुई है, तो जिन्होंने भी बताना हो बड़ी खुशी नाल बता सकते हैं। टोटल आयदे चौक सेंटर पर चार बैच रहेंगे, डीसी पे चार बैच रहेंगे, सो लास्ट वन एक हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी, उसके बाद विल वाइंड अप द प्रोसेस। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आप लोगों से, 29 तारीख को जो टेस्ट देने आप आएंगे वो इसी प्रेजेंटेशन के हिसाब से देंगे आप मुझे, मुझे आप एक चैप्टर कम पढ़ के आओ मैटर नहीं करता, 100% परफेक्ट आंसर्स चाहिए, मजेदार। अभी मैं आगे देखना है सैम्पल पेपर कराऊंगा, उसमें MRMCU का मैं याद कराऊंगा आपको, यहाँ बिठा कॉस्ट कैलकुलेशंस मैं आपको याद कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं है। ज्यादा वेटेज पता है किसकी है, यूनिट टू और यूनिट थ्री, प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट रेवेन्यू सप्लाई ईएस, इसकी वेटेज और यूटिलिटी डिमांड और ईडी, इन दोनों यूनिट्स की मेजर वेटेज है। मार्केट चैप्टर 6 नंबर का दे रहे हैं, फर्स्ट यूनिट 4 नंबर की दे रहे हैं, बाकी 15-15 नंबर की दोनों यूनिट है, आप मेजरली समझो। तो ये पक्का है एलवीपी पक्का आएगा, कॉस्ट के रिलेशंस पे ट्रू फॉल्स आएंगे, क्या आएंगे, एमआरएमसी पक्का लिखने को आएगी। तो भाई वो तो मैं ही याद कराऊंगा बिठा के तुम, तो मैं सैंपल पेपर आपको तीन ऐसे सैंपल पेपर करा दूंगा 29 से पहले पहले कि आपका एक भी नंबर माइक्रो में कट ना सके। और हमारी नेहा मैम के साथ तुम बैठ जाओ, वन ऑन वन बैठो, ग्रुप में बैठो, 5 बार पढ़ाओ ना 5 बार कोरिलेशन पढ़ाओ, इंडेक्स नंबर पढ़वाना इंडेक्स नंबर पढ़वाओ, भाई लगन दिखाओ, अंदर से आग दिखाओ कि हाँ हम रेडी है। और क्लासेस में 100% एक्यूरेटली मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर 4-4 बच्चों ग्रुप पढ़ के गए हुए मैम के साथ बैठ के, मैम एक बार इंडेक्स नंबर कराना, मैम कोरिलेशन कराना, और घर जाके उसकी 10 बार प्रैक्टिस भी करो तभी मजा आए। गॉट इट? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अब आखिरी महीना तो है, बस मैं ये चाहता हूँ 5 सब्जेक्ट में हाईएस्ट ईगो में होने चाहिए। और हमने तुम्हारा अकाउंट्स का भी जुगाड़ कर दिया, डोंट यू वरी, एक डेमो सेशन भी करा दूंगा नेक्स्ट वीक, एक 11th का कोई भी टॉपिक सबसे गंदा मुझे बता देना जो तुम्हें ना आता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 3 सेशंस कराऊंगा मैं तुम्हारे। हाँ जी, ना 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 ना। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक किसी को, आवाज नहीं आ रही, हो गया यहां तक, आवाज नहीं आ रही, मैंने ही सुने। अब लिखो फेज वन, लिखो फेज वन, फेज वन, दोबारा लिखो फेज वन। फेज वन का नाम है, बोलो इंक्रीजिंग, पहले इधर देखो सामने, बोलो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एक मिनट आगे सामने देखो, बोलो इंक्रीजिंग, लास्ट में बॉय, हाँ हाँ बोलो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, उल्टा पढ़ो, बोलो फैक्टर टू रिटर्न्स इंक्रीजिंग, फैक्टर टू
रिटर्न्स इंक्रीजिंग, फैक्टर लगाए जिससे रिटर्न्स कैसे आए, इंक्रीजिंग, मतलब तो ये हुआ फैक्टर लगाए तो रिटर्न्स कैसे आए, इंक्रीजिंग। सेकंड नाम था फैक्टर लगाए रिटर्न्स कैसे आए, डिमिनिशिंग, फैक्टर लगाए रिटर्न्स कैसे आए, नेगेटिव। तो नाम उल्टे कर दिए उन्होंने, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव। समझ आया, बोलो। अब इसको याद भी अभी कर लो, लिखो नहीं, बोलो। अकॉर्डिंग नहीं, इन द फर्स्ट फेज एवरी एडिशनल लेबर एड मोर एंड मोर, इन द सेकेंड फेज एवरी एडिशनल लेबर एड लेस एंड लेस, इन द थर्ड फेज एवरी एडिशनल लेबर मेक टीपी टू डिक्लाइन, मेक टीपी, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट टू डिक्लाइन, टीपी प्रोडक्ट टू डिक्लाइन, टोटल प्रोडक्ट टू डिक्लाइन। याद होगा, पहले नाम याद करो, पहला नाम क्या था, सेकेंड, थर्ड। अब याद करते हैं अंदर का कॉन्टेंट। इन द फर्स्ट फेज एवरी एडिशनल लेबर मेक एड टू द टोटल प्रोडक्ट, एड मोर एंड मोर टू द टोटल प्रोडक्ट, एड 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 मोर एंड मोर टू द टोटल प्रोडक्ट, एड एड मोर एंड मोर एंड एड। याद हो गया, विच रिजल्ट्स टीपी भी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रे एंड एमपी राइजेस। हो गई दो लाइन, इतनी चाहिए थी, इतनी लाइन तो चाहिए थी। सेकेंड फेज, इन द सेकेंड फेज एवरी एडिशनल लेबर एड लेसर एंड लेसर टू द टोटल प्रोडक्ट, लेसर एंड लेसर, विच रिजल्ट्स टीपी इंक्रीज एट एंड एमपी स्टार्ट्स। हुआ, बोलो। इन द थर्ड फेज एवरी एडिशनल लेबर मेक टीपी टू डिक्लाइन, मेक टीपी टू डिक्लाइन, विच रिजल्ट्स टीपी स्टार्ट्स एंड एमपी बिकम। अगर सबकी दो दो ढाई ढाई लाइनें बन गई, खत्म हो गए, खत्म। मैम आंसर तैयार आपका, हैव फन। समझ आई बात, लिखो। फर्स्ट फेज, फेज वन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब एक लाइन छोड़कर लिखो, अगली लाइन भी तो वेस्ट करनी है। इन द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एवरी एडिशनल कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, एड मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट, एड मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट, एड मोर एंड मोर टू द क्या, एड मोर एंड मोर टू द कौन सा आउटपुट, एड मोर एंड मोर टू द कौन सा आउटपुट, एड मोर एंड मोर टू द कौन सा आउटपुट, टोटल आउटपुट, फुल स्टॉप। इट मीन्स, इट मीन्स, इट मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इट मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल राइजेस, एमपी ऑफ ईच फैक्टर राइजेस, एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइजेस, ईच वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, राइज। डन, आवाज नहीं आ रही। सेकेंड, एक लाइन छोड़कर लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखो,
फेज टू। सेकेंड फेज को रैशनल फेज भी कहा जाता है, बेस्ट फेज कहा जाता है, क्योंकि यहां पर टीपी आपका क्या होता है, मैक्सिमम। यहीं से आप चाहो तो शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाकर अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। हाँ जी, सेकेंड फेज, फेज टू लिखो, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग diminishing returns to factor, likho in the second phase every additional variable factor add every additional variable factor add lesser and lesser every additional variable factor add क्या बोला मैंने, lesser and lesser, full stop. It means TP increase at diminishing rate. It means TP increase at diminishing rate. And MP falls. Phase three. Negative returns to a factor. In the third phase, लिख लिया, the employment of additional variable factor. The employment of additional variable क्या बोला मैंने, factor, employment of additional variable factor बोलूं, cause TP to decline. Full stop. MP now become negative. दोबारा बोलो, MP now become क्या? Negative. MP क्या बन जाएगा? Negative. कोई डाउट यहां तक किसी को? आवाज नहीं आ रही? यहां पर आकर आपका ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर देखा जाए तो क्या यहां डायग्राम बनाया हमने? आवाज नहीं आ रही? शेड्यूल बनाया? Yes, अब आप पूरा आंसर दोबारा से देखो, शुरू से, फेज वन से, जैसे पहले आपने प्रोडक्शन फंक्शन लिखा, मिला, बोलो, फिर आप देखो आपने पूरा लॉ लिखा, लॉ के बाद दो अजम्पशन लिखी, धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं देखते, तुमको जादू नहीं, ओम 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 हाथ फेरा याद है, ऐसा नहीं होता। अजम्पशन देख ली, अजम्पशन के बाद एग्जाम्पल, अगले पेज पे आओ तो आपने शेड्यूल देखा, डायग्राम देखा, फेज वन, फेज टू और क्या, फेज। इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा लगा इस आंसर को पूरा लिखने के लिए। ये आपका सैंपल पेपर है, इसमें एक एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, फिर 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, और लास्ट में 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। यस या नो? आवाज नहीं आ रही? So, ये पेपर हम 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। पहला सेशन आज हमारा हो गया, नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे है, ठीक है। ये सेशंस आपको हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी डलवा देंगे, आपके पोर्टल पे भी लगवा देंगे, वहां पर ये सेशंस आपके कंप्लीट होकर एक सैंपल पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ मजा आया? Yes, आपका वर्कलोड कम हुआ? आपका एक चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है आप बस अब घर जाके 2 काम कर लेना, लिखो होमवर्क,
इसी के पीछे लिख लो एक होमवर्क, या इस शीट के पीछे लिख लो सैंपल पेपर के पीछे, छोटा सा होमवर्क लिख लो, रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी, रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी, रिलेशन बिटवीन एपीएमपी, रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी, रिलेशन बिटवीन एपीएमपी, प्रैक्टिस ऑफ ट्रू फॉल्स, प्रैक्टिस ऑफ ट्रू फॉल्स एंड व्हाई सेकंड फेज इज अ रैशनल फेज। सर ये होमवर्क आप भी लिखवा दो मुझे, हमारी टीम को बोलना कंटिन्यूसली इनको मैसेज करते रहना ताकि ये होमवर्क कंप्लीट करें, और मेरे से ये ट्रू फॉल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भिजवाने हैं आज शाम तक इनको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी, रिलेशन बिटवीन एपीएमपी, प्रैक्टिस ऑन ट्रू फॉल्स, प्रैक्टिस ऑन किस पे, ट्रू फॉल्स, और लास्ट क्वेश्चन व्हाई सेकंड फेज इज कौन सा फेज, रैशनल फेज। एक और रह गया बस, लर्न reasons of phase 1, phase 2 and phase 3, learn reasons of phase 1, phase 2, पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया साथ साथ तुम्हारा। देखो एक क्वेश्चन मैंने बड़ा करा दिया, अब वर्कलोड कितना थोड़ा रह गया, यू जस्ट स्पेंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स एट योर होम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, यस या नो, एक चैप्टर निपटा कि नहीं निपटा, चैप्टर भी निपल गया, एक क्वेश्चन भी हो गया, गॉट इट सबको। सो आज यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, भगवान आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू।